हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके हब। फ्रेंड्स, आज मैं करने वाला हूँ एक हुडी का रिव्यू जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। तो चलिए रिव्यू को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, जो इस हुडी का ब्रांड है वो कराकस करके एक नाम है। अगर नाम गलत बोल रहा हूँ तो उसके लिए प्लीज़ ज़्यादा माइंड मत करिएगा। और चलिए अब बात करते हैं इसके फैब्रिक और क्वालिटी की, कि ये कैसा है एंड इसका साइज कैसा है और मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ या नहीं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस हुडी के प्राइस की। तो ये जो हुडी है, मैंने इसे परचेज किया था अंडर 500 रुपीज़ में। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो इसका क्लोथ मटेरियल है वो फ्लीस मटेरियल है, जो कि काफ़ी गर्म होता है। ठंडों के पर्पज से बहुत ही अच्छा मटेरियल कहा जाता है, क्योंकि ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है एंड गर्म होता है। बट और शाइन इसका कपड़ा नहीं है, थोड़ा मैट फिनिश लुक देता है। तो अगर आपको शाइन में थोड़ा चाहिए हो कपड़ा, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके हुड की। तो दोस्तों, जो इसका हुड है वो काफ़ी बड़ा है, एंड हुडी के इस टाइप के हुडी बहुत ही अच्छे लगते हैं जिनका हुड बड़ा होता है। तो जो इसका हुड है बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, यहाँ पे इन लोगों ने ये दो प्रिंटेड स्ट्रिप्स दे रखी हैं वाइट कलर की, एंड यहाँ पे प्रिंटेड स्टे अलाइव लिख रखा है, जो एक काफ़ी कूल लुक देता है दोस्तों। और यहाँ पे इन लोगों ने दोस्तों इसमें दो पॉकेट्स दे रखी हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे आपके कॉर्नर से आती हैं, यहाँ बीच में नहीं आती हैं। तो ये चीज़ भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी है, कि ये जो पॉकेट्स हैं वो साइड से आती हैं। तो ये भी एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी। और जो इसकी स्लिप्स हैं, यहाँ पे ग्रिप दी हुई है, बहुत सही चीज़ है ये। और नीचे भी आपको ग्रिप मिलती है, तो काफ़ी अच्छी। और बात करते हैं इसकी चेन क्वालिटी की। तो इसकी चेन क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी यहाँ पे बढ़िया चेन यहाँ पे दी गई है, जो बहुत ही स्मूथली वर्क करती है। तो ये चेन मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। फ्रेंड, जो इसका साइज का एक थोड़ा इशू है वो मैं आपको ट्राई ऑन करते वक्त बताता हूँ। तो चलिए मैं इसका एक ट्राई ऑन करके दिखाता हूँ, और साइज का इशू भी बताऊँगा कि वो क्या इशू है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो। तो दोस्तों, ये था हुडी का ओवरऑल लुक। और दोस्तों, मैंने इस हुडी का एल साइज ऑर्डर किया था, पर इन लोगों ने मुझे एक्सेल साइज भेज दिया। लेकिन दोस्तों, ये एक्सेल साइज भी मुझे बहुत छोटा है, और इसकी लेंथ भी काफ़ी कम आ रही है मेरे। तो कम से कम इसका डबल एक्सेल साइज ही मेरे आएगा। और गाइज, अगर आप 5.6 हाइट के हैं या 5.7 हाइट के हैं, तभी इस अपर को ऑर्डर करिएगा। अपने साइज से दो नंबर ज़्यादा ही ऑर्डर करिएगा, तभी ये अपर आपके फिट आएगा। और अगर आपकी हाइट 5.7 इंच से ज़्यादा है, तो आप इस अपर को बिल्कुल भी परचेज मत करिएगा। तो ओवरऑल यही था इसका साइज का जो इशू था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।